बच्चों में भी किडनी की बीमारियां कॉमन हैं। कभी कभी जन्मजात तौर पे किडनी के बनावट में दोष होता है। एक ही किडनी का होना, दोनों किडनी का एक तरफ होना, दोनों किडनी का आपस में फ्यूज हो जाना, ये सब किडनी की आम बीमारियां हैं बच्चों में। मूत्र मार्ग में बनावट में कमी, जैसे कि वेसिकुलरेटिक रिफ्लक्स, जैसे कि पोस्टेरियर यूरेथरल वाल्व, अगर इन कमियों को हम समय रहते पकड़ लें तो बच्चे को सही इलाज मिल सकता है। कभी कभी जेनेटिक कारणों से भी बच्चों के किडनी में दोष आ जाता है, जैसे किडनी के ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम, जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, या जैसे कि किडनी के टिब्यूल में प्रॉब्लम, जिसमें रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है। तो अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, बच्चों को किडनी के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए रूटीन चेकअप में।